हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रयास शर्मा और आप सभी का अपने चैनल पर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर से स्वागत करता हूं। जी हाँ जी, वीडियो भी गेमिंग थंबनेल ट्यूटोरियल से रिलेटेड ही होने वाली है। अभी थोड़ी सी वीडियो, एक दो वीडियो अभी और गेमिंग थंबनेल से रिलेटेड होने वाली है, तो ये भी वीडियो थंबनेल ट्यूटोरियल से रिलेटेड ही होने वाली है। जी हाँ, जिस वीडियो में हम बनाने वाले हैं कि नूब भास्कर गेमिंग चैनल जैसा थंबनेल आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड मोबाइल के थ्रू, यही आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चैनल का नेम है नूब भास्कर थंबनेल आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड मोबाइल के थ्रू। तो देखते रहो वीडियो, एंड तक वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना और हाँ, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। सो चलते हैं अपने एंड्रॉइड मोबाइल पर और वीडियो जल्दी शुरू करते हैं। आगे अपने एंड्रॉइड मोबाइल पर जो थंबनेल है नूब भास्कर चैनल, मतलब कि नूब भास्कर वीडियो जैसा थंबनेल क्रिएट करने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं आपको वह थंबनेल दिखा देता हूं, तो किस तरह का थंबनेल आज इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं। तो ये है वो थंबनेल जो आज इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं नूब भास्कर चैनल का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर लिखो है नेवर जज योरसेल्फ। सो हमें यहाँ पर इस थंबनेल में करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, ज़्यादा चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। इस एप्लीकेशन के थ्रू इस वीडियो में थंबनेल क्रिएट करने वाले, उस एप्लीकेशन नेम है पिक्सल ऐप, डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, वरना तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो आप इसको ओपन कर लेना, क्योंकि पिक्सल ऐप एप्लीकेशन के थ्रू आप नए नए और बहुत अच्छे अच्छे थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड मोबाइल के थ्रू। सो सबसे पहले यहां पर राइट साइड में आ जाना है, थ्री डॉट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, इमेज साइज वाले ऑप्शन पर यूट्यूब थंबनेल साइज को सिलेक्ट करके ओके कर लेना। ओके करने के बाद ये इस वाले टेक्स्ट को डिलीट कर लेना है। अब यहां पर सबसे पहले हमें बैकग्राउंड चाहिएगा, जैसा कि मैंने आपको थंबनेल पर दिखाया, तो इस तरह के बैकग्राउंड आपको मिल जाएंगे। तो आप क्रोम ब्राउजर पर जाओगे, वहां पर लिखोगे था पबजी बैकग्राउंड्स, पबजी प्लेयर बैकग्राउंड्स, तो आपको इस तरह के बैकग्राउंड्स वहां पर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, थंबनेल में यूज कर सकते हैं। वरना तो फ्री वेबसाइट्स भी मैंने बताई हुई है वीडियो, मैंने आई बटन में वो वीडियो दे दिया, आप उस वीडियो पर जाकर उन वेबसाइट से फ्री इमेजेस ले सकते हैं, पबजी की भी, किसी भी की, फ्री फायर की भी ले सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। सो सबसे पहले मैंने वे बैकग्राउंड्स यहां पर डाउनलोड कर रखे हैं, तो मैं सबसे पहले अपने गैलरी से वो ले लेता हूं। तो प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, फ्रॉम गैलरी से मैं सबसे पहले अपना वो बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेता हूँ। और सिलेक्ट करने बाद यहाँ पर राइट क्लिक कर लेना, राइट क्लिक करने बाद अब इसको अच्छी तरह से मेरे को यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। बहुत लोग, आप बहुत सब्सक्राइबर कहेंगे कि भाई ये जो इस तरह की ये शेडो सी आ रही है, ये इस तरह से प्लेयर के अंदर, तो ये कैसे आया, ये आपने कैसे करा, कर सकते हैं। वैसे बताऊँ क्या करा हुआ, यहाँ पर एक इमेज ली हुई है, इमेज लेने के बाद चलो मैं इस पर भी एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा। वैसे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा क्या करा हुआ, यहाँ पर एक इमेज ली हुई है प्लेयर की, किसी भी प्लेयर की ले लेनी है। सो प्लेयर की इमेज लेने के बाद यहाँ पर इसको, मतलब कि इसका जो कलर फील होता है, कलर फील कोई ओपेसिटी ज़्यादा करी हुई है, ब्राइटनेस कम करी हुई है, तो इस तरह से यहाँ पे आउटलाइन आ जाती है, इस तरह की ग्लो इफेक्ट्स आ जाते हैं। तो आप पिक्सल ऐप के थ्रू नहीं कर सकते, लेकिन आपको दूसरी एप्लीकेशन चाहिए होगी, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इस तरह के बैकग्राउंड ले लेना है। इसके बैकग्राउंड लेने पर यहाँ पे अब हमें सिर्फ दो टेक्स्ट लिखने हैं इस वीडियो में, तो नीचे की तरफ ए वाले ऑप्शन पर आ जाना है, टेक्स्ट वाले पर आ जाना, डबल टैप कर लेना है और जो भी टेक्स्ट है वो यहाँ पर टाइप कर लेना है, क्लिक कर लेना। ओके वाले ऑप्शन में क्लिक करने बाद अब सबसे पहले फॉन्ट वाले ऑप्शन पर आ जाना है, फॉन्ट वाले ऑप्शन पर आ जाने पर यहाँ पर इस तरह का कुछ भी एक अच्छा सा ले लेना है। तो ये वाला ले लेते हैं, हम विस्लर वाला लेने बाद अब इसका कलर था वाइट, पीछे थी शेडो, तो यहाँ पर शेडो दे देते हैं। शेडो देने बाद यहाँ पर इस तरह की ये भी शेडो दे देनी है, इसको शेडो देने बाद यहाँ पर इसको अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है, साइज बढ़ाकर और मतलब कि थोड़ा सा इसको इस तरह से कर कम कर साइज। सो इस तरह के यहां पे इसको बोल्ड कर लेते हैं, बोल्ड करने के लिए यहां पे आ जाना है, यहां पे बोल्ड कर लेना है इसको। सो बोल्ड करने बाद यहां पे इसको अच्छी तरह से पोजीशन पर आ जाने के बाद यहां पे नीचे की तरफ इसको अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। सो पोजीशन पर आप इस तरह से कर सकते हो इसको, नेवर जज। अब लिखना है यहाँ पर योरसेल्फ, सेकंड टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको फिर से ए वाले ऑप्शन पर आ जाना, नीचे सेकंड वाले पर टेक्स्ट वाले पर डबल टैप कर लेना और अपना सेकंड टेक्स्ट भी आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है, पर क्लिक कर लेना है। फिर से यहाँ पे फॉन्ट वाले ऑप्शन पर आ जाना, फिर से आम विस्लर वाला जो ये फॉन्ट है इसको ले लेना, इसको लेने बाद यहाँ पे इसका कलर था येलो, येलो इसका कलर कर लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाना है, येलो कलर पर क्लिक कर लेना है, येलो कलर पर क्लिक करने बाद यहाँ पे थी शेडो, तो शेडो भी इसको दे देते हैं, शेडो देने बाद यहाँ पे एक और तरह की शेडो दे देते हैं, इसको भी दे देने बाद यहाँ पे इसको अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है, टेक्स्ट को भी अच्छी तरह से कर लेना एडजस्ट। सो यहाँ पर इस तरह से इसको अच्छी तरह से कर लेना है, इस तरह से करने बाद थोड़ा सा बड़ा, और यहाँ पर पोजीशन वाले ऑप्शन पर आ जाना है और यहाँ पर इस तरह से इसको अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। सो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से पोजीशन इसकी थोड़ी ऊपर की तरफ कर लेनी है। सो इसको थोड़ा सा
कम पोजिशन इस तरह से, नेवर जज योरसेल्फ। सो हमारा थंबनेल यहाँ पर नो भास्कर जैसा था क्रिएट हो चुका है। आप भी इस तरह का थंबनेल अपने एंड्रॉइड मोबाइल के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस तरह के आप थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक कर लेना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और हाँ, जाते जाते कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो यार बता देना, लाइक कर लेना, कमेंट करके बता देना। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए या किस गेमिंग थंबनेल से रिलेटेड चाहिए, उस पर भी वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।